अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस बेल पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज हम बनाएंगे डोमिनोज स्टाइल एगलेस चोकोलावा केक, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत अच्छा लगता है और ये मेरी भी फेवरेट डिश है। आप भी एक परफेक्ट लावा केक अपने घर पे बना सकते हैं, बस आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाउल में लेंगे चॉकलेट, जितनी आप लेना चाहें उतनी ले सकते हैं, और आप डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट में से कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा मिल्क डालेंगे और इसे अब हम माइक्रोवेव में रख के मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के लिए आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है और उसके साथ में चॉकलेट को मेल्ट करूँगी। चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, इसे मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे मिल्क चॉकलेट यूज़ करते हैं तो उससे अच्छा कलर नहीं आएगा, कलर थोड़ा लाइट ब्राउन आएगा, लेकिन डार्क चॉकलेट यूज़ करेंगे तो डार्क ब्राउन कलर आएगा। वनीला एसेंस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मैदा, 1/4 कप से थोड़ा सा कम मिल्क पाउडर, आप चाहें तो पूरा 1/4 कप भी ले सकते हैं, और 1/4 कप ही इसमें हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी। मतलब तीनों की क्वांटिटी हमें बराबर रखनी है। अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो तीनों की क्वांटिटी 1 कप रखें। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लें और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, मतलब दोनों की क्वांटिटी बढ़ा दें। और अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। यहाँ मैं 2-3 टेबल स्पून कोको पाउडर यूज़ करूँगी। जितनी अच्छी कोको पाउडर की क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा लावा केक का टेस्ट होगा। और अब हम इसे मिक्स करेंगे बहुत ही लाइट हैंड से। आप चाहें तो यहाँ पिसी हुई चीनी थोड़ी कम भी डाल सकते हैं, अगर आपको मीठा कम पसंद है तो। ये मिक्स हो चुका है, अभी ये थोड़ा सा थिक है तो मैं बहुत ही ज़रा सा मिल्क इसमें और ऐड करूँगी। तो लगभग 1/4 कप ही हमने इसमें मिल्क ऐड किया है, जितनी मैदा ली है उतना ही मिल्क ऐड किया है। बैटर अब बन के तैयार हो गया है। लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं 2-3 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, आप चाहें तो सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी ले सकते हैं। बटर मैंने यहाँ पे लास्ट में ऐड किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया है इससे बैटर देखने में बहुत ज़्यादा शाइनी लगेगा और इसमें एक ग्लॉस आ जाएगा। आप देख सकते हैं बैटर कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में ऐड किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये रैमेकिंस लिए हैं जिसको अच्छी तरह से बटर के साथ ग्रीस कर लेंगे, और सिर्फ 2 चम्मच ही हम बैटर इसमें डालेंगे, इसे बहुत ज़्यादा हमें फिल नहीं करना है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे ये एल्युमिनियम कप्स लिए हैं, जिस तरह से डोमिनोज में चोकोलावा केक मिलता है। इसे आप बहुत ज़्यादा फिल ना करें, बस 3/4 तक हमें इसे भरना है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा भर जाएंगे तो केक राइज भी करते हैं तो वो बाहर निकल सकते हैं। बीच में हम इसमें एक लेयर दे देते हैं चॉकलेट चिप्स की, जिससे जब ये मेल्ट होंगे तो और अच्छा लावा बनेगा। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट का पीस ले सकते हैं, और फिर से इसको बैटर के साथ कवर कर देंगे। इतने बैटर में मैं 3 लावा केक्स बना के तैयार करूंगी। एक बार इसे टैप करेंगे, और अब मैं इसको प्रीहीटेड माइक्रोवेव में 13-14 मिनट्स के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करूंगी। ये देखिए 14 मिनट्स हुए हैं और मैंने इसे 200 डिग्री पे बेक किया है। कितनी अच्छी तरह से लावा केक बनके तैयार हुए हैं। लावा केक्स को मैंने माइक्रोवेव में से बाहर निकाल लिया है, और आप देखिए ये कितने सॉफ्ट हैं। अब हम इसको कट करके भी देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लावा आया है। मैं आपको इसे पास से भी दिखा देती हूँ, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसे 13 से 14 मिनट के लिए ही बेक करना है, बहुत ज़्यादा बेक नहीं करना है। ये देखिए आप लावा देख सकते हैं,
बहुत ही अच्छे लावा केक बनके तैयार हुए हैं। डोमिनोज स्टाइल लावा केक बनके तैयार हैं, जिसे आप सिर्फ 20 मिनट में अपने घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आपके जो भी एक्सपीरियंस हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।